धमाकेदार कमाई, KGF 2 हिला बॉलीवुड, KGF चैप्टर 2 की कमाई से हुए नंबर 3 फिल्म बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 2 के 13 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने कौन कौन से एरिया से कितने करोड़ की कमाई कर ली है और कहाँ कहाँ से ये फिल्म हो चुकी है ब्लॉकबस्टर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश और सुपरस्टार संजय दत्त सर के डाहट फैन से उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है KGF चैप्टर 2, जो कि 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 का सिक्वल है। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको इन दोनों ही एक्टर्स के अलावा टंडन और श्रीनिधि शेट्टी भी नजर आने वाली है, जिससे कि लग गया था दोस्तों मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 170 करोड़ रुपए की ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली और अपना बजट अपने पहले ही दिन रिकवर कर लिया और एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। अपने पहले ही दिन दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 68 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई की, जिसमें दोस्तों 54 करोड़ रुपए इस फिल्म ने नेट बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिले हैं, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को बेहतरीन रिव्यूज दिए हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक बार फिर से संजय दत्त को खलनायक वाले अवतार में देखने के लिए ऑडियंस एक्साइटेड थी और यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने हिंदी में अपने शुरुआती 7 दिनों में ही 250 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया था और बाहुबली 2, दंगल, PK और टाइगर जिंदा है जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से आउटस्टैंडिंग कमाई कर रही है, उतनी अच्छी कमाई दोस्तों इस फिल्म ने अपने रीजनल एरिया यानी कि कर्नाटक और तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर भी नहीं की है। इस फिल्म ने दोस्तों तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने शुरुआती 12 दिनों में 120 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार किया है, तो वहीं दोस्तों कन्नड़ा बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म का अपने शुरुआती 12 दिनों का जो कलेक्शन है वो 120 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। कन्नड़ा बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों यह फिल्म इतिहास की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। मलयालम बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों यह फिल्म 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को सबसे तेज पार करने वाली फिल्म बन चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों तमिल बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म थैलापेथी विजय की फिल्म बिस्ट से आगे निकल चुकी है और वहां पर भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी जगह पर मिलाकर अगर देखा जाए तो इस फिल्म का जो कलेक्शन है लगभग 400 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करता है। लेकिन दोस्तों हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अकेली इस फिल्म ने 350 करोड़ रुपए के ग्रॉस आंकड़े को पार कर दिया है और इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि अपने शुरुआती 11 दिनों तक यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 320 करोड़ रुपए की हिंदी नेट कमाई कर चुकी थी और 350 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई कर चुकी थी। अपने 12वें दिन दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 9,20,00,000 रुपए की शानदार कमाई की है, जिससे कि इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो हिंदी में 330 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। कल के दिन में दोस्तों यह फिल्म टाइगर जिंदा है और संजू के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी होगी और उसके बाद दोस्तों इस फिल्म के पास सिर्फ दंगल का ही एक कलेक्शन रहेगा, जिसे कि इसे पीछे करना रहेगा। बता दे चले दोस्तों आपको कि आज भी इस फिल्म के जो एडवांस है वो हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। यह फिल्म हिंदी में आज मॉर्निंग से 25% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। साथ ही साथ दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग में आज एक बार फिर से इस फिल्म के कई सारे शो हाउसफुल है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म हिंदी में आज एक बार फिर से 7.5 से 8 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 338 करोड़ रुपए का हिंदी में हो चुका होगा। हिंदी ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म लगभग 370 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी होगी। साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर आज इस फिल्म का जो कलेक्शन है लगभग 930 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। दोस्तों बताते चले आपको कि जिस तरह की कमाई ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर रही है, उम्मीदें हैं कि ये फिल्म हिंदी में 400 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर चुकी होगी। साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो लगभग 1200 से 1300 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। यह फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है और हिंदी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते बाहुबली 2 के भी सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। अब देखना यही है दोस्तों कि क्या यह फिल्म हिंदी में अगले हफ्ते आने वाली फिल्में यानी कि हीरोपंती 2 और रनअवे के सामने भी टिक पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स